बिहार पूर्णिया लोकसभा सांसद पप्पू यादव को हत्या धमक लॉरेंस बिश्नोई गैंग देछि हत्या धमक निज जीवन को नहीं एवं भयभीत पप्पू सुरक्षा पर गृह मंत्रालय को लिखिंट चिठी पप्पू लिखिंट जेड कैटेगरी सुरक्षा दि जाऊ कौन मुहूर्त भी हत्या हो पारे से कहते तेणु तुरंत सुरक्षा प्रदान करें पप्पू को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिलूँ या जेड कैटेगरी करने को बढ़ा जाऊ चिठी उल्लेख करते पप्पू यादव पप्पू आहरी लिखिंट जदि तर हत्या हुए तेज सरकार एथप दायी रे पप्पू यादव को यह धमक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग जन सदस्य वॉइस मेसेज कर पठाई पूर्णिया सांसद वॉइस मेसेज को सार्वजनिक करते बिहार सरकार को यह अवगत करे सरकार जी तत्पर होगा कथा से देखा मिलूनी सरकार निष्क्रिय होता पप्पू अभोग कर धमकपूर्ण वॉइस मेसेज भाइराल हो पप्पू यादव को धमक तीन जन देते जड़े व्यक्ति निजक लॉरेंस बिश्नोई गैंग सदस्य कौच द्वितीय जनक धमकपूर्ण कल दुबई आसुची आ तृतीय धमक मयंक सिंह नामक जन व्यक्ति कौच से फेसबुक पेज रे धमक दे तेणु ए सबुक नहीं पप्पू यादव एवं भयभीत अच्छा पप्पू यादव को कहवा कथा कौन से मुहूर्त भी हत्या हो पाए लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमक दे से कहते हैं वर्तमान से जेड सिक्यूरीटी तक मगुच्च बर्तमान टी बुझे चेस्टा करवा किए से पप्पू यादव कहीं आक्रमण कह कहीं जीवन विपद में पप्पू यादव किए टे प्रथम बुझाप चेस्ट करवा डाटा बुद्ध ना पप्पू यादव के विषय ये पप्पू यादव 1990 प्रथम थर पर विधानसभा निर्वाचन जीति पप्पू यादव 1991 रु 96 1999 2004 और 2014 ये समस्या गुड़ाक लोकसभा निर्वाचन से जीति लोकसभा निर्वाचन जितवा पर 2015 जन अधिकार पार्टी गढ़ी थे निजे एक पार्टी गढ़ले जहाँ ना दे जन अधिकार पार्टी 2019 लोकसभा निर्वाचन लड़ी हारी जाते पराजित होते 2019 शिक्षा ग्राजुएट संपत्ति 10 कोटी अपराधिक मामला 41 अपराधिक मामला ना अच्छी ये होते से पप्पू सलमान मे हुना मंतव्य बिहार पूर्णियार स्वाधीन सांसद पप्पू यादव को महंगा पड़ पक्की सलमान सपक्ष में बाहर पर पप्पू को धमकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग मतलब मापी चुपी दे भल आगू चुप न रहिले अन्य भाई भोग दुबई रु पप्पू को फोन कल रे धमक बिश्नोई गैंग सदस्य ए कथा कहते पप्पू देख मारिबा को फोन रे धमक सलमान खान मामला रे मुंड न पुरैबा को चेतावनी धमक देतिबा व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई गैंग रे सदस्य जेड प्लस सुरक्षा दाबी करी बिहार डीजी को चिट्ठी लिखिले पप्पू पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जीवन रे मारि देबा को धमक ये वासी जी धमकपूर्ण फोन जुड़े हैं नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा सलमान खान मामला रे मुंडा खड़ा है भाई को चिटा अन्य मान को भली भोगी बफर ए भली धमक मिली तबे जे कोन से परिस्थिति रे सलमान खान का सचंत बोले पप्पू यादव का एक पेज रे लिखी बा परे बिश्नोई गैंग का टारगेट वासी जाय छथि पप्पू सुनो तो सांसद पप्पू यादव को कि भली ऑडियो कॉल रे धमक दे छे दे दिया जाउ छे कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया एक बात होगी भैया एक बात समझिए मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरे पॉलिटिक्स से जुड़े हैं नाम जाने मेरे हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा वो पॉलिटिकल चीजें हैं पॉलिटिकल चीजें होती रही है बात करते हैं पॉलिटिकल उन्हें पॉलिटिकल ना ले किसी के खिलाफ बोलना किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है बाकी हम देख लेंगे एक बार फोन करने का मकसद यही था सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे आप बेफिक्र ना हमें डिस्टर्ब करना ओके एभली धमकपूर्ण ऑडियो निजे सांसद पप्पू यादव जारी करिछन्ते कॉल करितबा व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई गैंग सदस्य बोली निजको परिचय देछि
এভাবে ধমকপূর্ণ ফোন কল পরে পপু যাদব সুরক্ষা বড়াই দিয়া যাইছে। পপু পূর্ব ওয়াই প্লস সুরক্ষা মিলুতা বেড়ে তাঁকু জেড প্লস সুরক্ষা যোগাই দেওয়া গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ সে চিঠি লিখিলে। এসব লরেন্স গ্যাং ঠার তাঁর জীবন প্রতি বিপদ থাকা দর্শাই। संविधान और कानून और लोकतंत्र की बात आएगी तो मैं वैचारिक बात करूंगा। अब मेरी मुझे मरना न मरना तो भगवान के हाथ में है। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है। सरकार मुझे मारना मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती तो सरकार जाने। अक्टोबर 12 रे मुंबई रे कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी को गोली करथिबा विष्णु गैंग स्वीकार करथिला। यापरे पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी को मुंबई बासभवन में पहुंची तंग परिवार को समवेदना जनाइथिले। सलमान खान को मध्य भेटथिले। लॉरेंस बिश्नोई को दो कौड़ी के गुंडा कोई समालोचना करथिले पप्पू। सरकार को अनुमति मिलले 24 घंटा रे लॉरेंस गैंग रो पूरा नेटवर्क को माटरे मिसाई देबे बोली निज एक्स पोस्टर लिखिथिले। सेबेटरो पप्पू यादव लॉरेंस गैंग रो स्कैनर रासि जाइछन। पप्पू को प्रतिनिधि गतिविधि उपरे लॉरेंस गैंग कड़ा नजर रखुचे। एबे एभली धमकपूर्ण फोन कॉल आसीछे। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात सेंट्रल जेल रही बेले पूरा नेटवर्क को नियंत्रण करुच्छे। कंठशिल्पी सिद्धू भूसेवाला करनी सेना मुख्य बाबा सिद्दीकी हत्या कर लॉरेंस गैंग सहित टार्गेट में बॉलीवुड स्टार सलमान खान बर्तमान पप्पू यादव को गैंग धमक पर घटना अधिक जटिल होबार लगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପପୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା ଧମକ, କ'ଣ ପାଇଁ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ କ'ଣ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପପୁ ଯାଦବ ଅକ୍ଟୋବର 12 ମୁମ୍ବାଇରେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଲରେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହତ୍ୟା କଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲରେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ଖୁବ୍ ରାଜନୈତିକ ହୋଇଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମରାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମରାଗଲା। ମାମଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଂସଦଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ପପୁ ଯାଦବ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବ ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଇଏ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ଧମକ ଥିଲା ଏକ୍ସ ପେଜ୍ରେ। ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ବାବା ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭେଟିଲେ। ଇଏ ପଲିଟିକାଲ ଏଙ୍ଗଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଆଡ଼କୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ବାବା ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ସହିତ ତା ପୁଅ ସହିତ ଅଛି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକୀ ପୁଅକୁ ଭେଟିଲେ। ଫୋନ୍ରେ ସଲମାନ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସଲମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ରହୁଛି। ଏଇଠି ହେଲା ଅସୁବିଧା। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବେ ଦୁବାଇରୁ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକୁ ସେ ମାମଲାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏସବୁ ଧମକରୁ ଇସାରା।